हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हम सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं हमारे एक नए टॉपिक है जिसका नाम है रिसर्च। पेपर नंबर वन के अंदर एक हमारा नया यूनिट है जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं रिसर्च की कि रिसर्च है क्या, अपने पेपर के रेलिवेंट भी है या नहीं है, पेपर के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो हर बार इसके आते ही हैं पेपर के अंदर, तो काफ़ी रेलिवेंसी जो है वो ये प्ले करता है अपने नेट के एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, काफ़ी सारे टॉपिक है इसके अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। वैसे तो आप ये बोलोगे कि सर आप हर चीज़ को ये बोल तो कि आसान है, एक्चुअल में आसान होती है। अगर आप देखें कि ये जनरल पेपर का पार्ट है तो ज्यादा इसके अंदर कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको अप्रोक्स 30 से 35 लेक्चर्स जो है इसके अंदर हमारे लगेंगे, तो हम लोग उसको बहुत बढ़िया तरीके से तसल्ली से इसको हम लोग जो है वो कर जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या नाम है? रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो, अगर मैं बात करता हूं पहले तो टॉपिक का नाम, तो टॉपिक जो है वो बेसिकली है क्या सर? टॉपिक है अपना रिसर्च, आई डोंट नो भी क्या होता है, प्लस में एप्टीट्यूड। क्या? एप्टीट्यूड। अब अगर मैं बात करता हूं अपने टॉपिक का, तो टॉपिक तो ये है जी अपना रिसर्च एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड का बेसिक देखो, रिसर्च क्या है मुझे ये भी नहीं पता, एप्टीट्यूड क्या मुझे ये भी नहीं पता, तो इनको पढ़ने के लिए इनको बाइफ्रिकेट कर दो, एक बार अलग अलग कर दो, फिर इसको पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले किसका, एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? योग्यता। क्या होता है? योग्यता। बेसिकली ये सब्जेक्ट को डालने के पीछे का जो मेन मोटिव है एनटीए का, वो ये है कि ये पर्सन को योग्य बनाना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि रिसर्च के अंदर आपकी योग्यता हो जाए, रिसर्च के अंदर आपकी निपुणता हो जाए। क्योंकि देखिएगा, मेजोरिटी पीपल्स जो है वो क्या करेंगे, जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा या आपका जेआरएफ होगा, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है आपका पीएचडी का। तो पीएचडी के अंदर बेसिकली आप करते क्या, आप रिसर्च ही करते हैं। तो हम लोग आपको जो है आपका फाउंडेशन स्टोन मेंटेन करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, कि जब आप पीएचडी करने के लिए जाएंगे तो आपको बेसिक रिसर्च के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको इतना कम से कम पता हो कि बेसिकली आपको पीएचडी के अंदर करना क्या है। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पड़ता है, आसान भी है, थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, और सबसे मेन बात वास्ट भी है। टॉपिक जो है बहुत वास्ट है, काफी सारी चीजें इसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो पहले अगर बात करूंगा टॉपिक का, तो टॉपिक का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब तो मुझे ठीक है मालूम है, इसका मतलब होता है क्या, योग्यता, कोई काम करने की योग्यता, या अगर आपके अंदर कोई काम करने की निपुणता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन ये रहा होता है कि रिसर्च का मतलब क्या। अगर बात करूंगा रिसर्च का, तो रिसर्च को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक वर्ड जो है वो है री और एक वर्ड जो है वो है क्या, सर्च। क्या है? सर्च। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग व्यू दिए यहाँ पे। कोई बोलता है रिसर्च का मतलब नई नई चीज़ें खोजना, कोई बोलता है रिसर्च का मतलब ऑलरेडी जो चीज़ें हमने निकाली हुई हैं उन्हीं को दोबारा से उनके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करना, कोई बोलता है रिसर्च का मतलब चीज़ों को अप्लाई करना। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो यहाँ पे अपने को जो है पहले मीनिंग क्लियर करना है कि सर एक्चुअल में रिसर्च है क्या। अगर पता चलेगा रिसर्च क्या है, तो फिर वहां से रिसर्च में अगर एप्टीट्यूड को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, हाँ जी, तो अगर बात करूंगा रिसर्च का, तो रिसर्च दो वर्ड से मिलके बना, एक वर्ड है री, एक वर्ड है क्या, सर्च। आइए हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च के बारे में, रिसर्च है क्या। द वर्ड रिसर्च इज मेड अप ऑफ द टू टर्म्स, वर्ड जो रिसर्च है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक वर्ड क्या है जी, री, एक और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है जी, सर्च। री का मतलब जो है वो क्या होता है, री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन या एन्यू या फिर ओवर अगेन, ओवर अगेन। ओवर अगेन का मतलब क्या, एक बार फिर, दोबारा से। री का मतलब जो है वो क्या होता है, दोबारा से। सर्च का मतलब क्या होता है, खोज। क्या? खोज। तो दोनों वर्ड को जब एक बार दोबारा जोड़ दें तो क्या बनेगा, दोबारा से खोजना। ऑलरेडी कोई चीज आपने जो है वो सर्च की हुई थी, उसी के अंदर उसी फील्ड में दोबारा से उससे उससे रिलेटेड कोई नई नई चीजें खोजना या उसी स्टडी को आगे और बढ़ाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलेंगे, रिसर्च। बेसिकली रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमने उस प्रॉब्लम को पहले फॉर्मुलेट किया, फिर उसकी स्टडी करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। तो रिसर्च बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कई सारे स्टेप्स जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आइए पढ़ते हैं एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। रिसर्च दो टर्म से बना, एक वर्ड है री, एक वर्ड है सर्च। री का मतलब क्या होता है, ओवर अगेन, एक बार फिर से। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। तो एक बार फिर से खोजना, डेट इज नोन एज रिसर्च। तो बेसिक
कॉमन पार्लेंस में अगर मैं बात करूं कि रिसर्च का मतलब जो है वो क्या होता है, एक बार फिर से खोजना, कोई ऑलरेडी कोई चीज है जिसको हमने पहले सर्च किया होता उसके ऊपर दोबारा से क्या करना, उसको दोबारा से खोजना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपने सर्च की हुई है उसको दोबारा से खोजना इज नोन एज द रिसर्च। आगे रिसर्च इज द केयरफुल, रिसर्च जो है वो क्या है जी, केयरफुल, बहुत ही सावधानी से, पेशेंट, पेशेंस आपने मेंटेन किया, एंड सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया है इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज अंडरटेकन टू जर्नलाइज द फैक्ट, क्या करने के लिए, जर्नलाइज करने के लिए किसको, फैक्ट को। यहां पे एक टर्म आती है उसका बोलते हैं जर्नलाइजेशन, क्या टर्म है, जर्नलाइजेशन। अब ये है क्या, जर्नलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना, क्या बोलते हैं इसको, सामान्यीकरण करना, इसका मतलब क्या, सामान्य बनाना चीजों को, क्या करना, सामान्य बनाना। अब सामान्य का मतलब जो है बेसिकली क्या, कि कोई चीज थी जो थोड़ी स्पेशलाइज थी, स्पेशलाइज चीज को क्या कर देना, नॉर्मल ले आना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सामान्यीकरण करना या जनरलाइज करना। मतलब कोई फैक्ट था जो छुपा हुआ था उसको यूनिवर्सल कर देना, क्या कर देना, यूनिवर्सल कर देना, या किसी फैक्ट का यूनिवर्सलाइजेशन कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन, क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। तो अगर कभी कोई टर्म आए जनरलाइजेशन तो समझ जाना, जनरलाइजेशन का मतलब क्या, कि स्पेसिफिक फैक्ट को जनरल बना देना, स्पेसिफिक कुछ फैक्ट है उनको क्या करना, जनरल बना देना, या फिर क्या करना कि कोई चीज जो स्पेसिफिक नेचर की थी उसको क्या करना, उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर देना, जो छुपी हुई चीज है, हिडन चीज है, उनको निकाल के क्या करना, उनका यूनिवर्सलाइजेशन करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलेंगे, रिसर्च। पढ़ेंगे इन सिंपल वर्ड्स, रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज इन डेप्थ स्टडी, रिसर्च जो है वो क्या है जी, इन डेप्थ स्टडी है, मतलब डेप्थ में जाके आपने किसी चीजों को क्या किया, स्टडी किया, और समथिंग इन सर्च ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ स्टडी करना किसके, किस लिए किया, इन 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 सर्च ऑफ सम न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्च्ड चीज की दोबारा से इन डेप्थ स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलेंगे, रिसर्च। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमिना था, पहले से था, एग्जिस्टिंग था, उसके उसके बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन निकालना, उसके ऊपर इनडेप्थ स्टडी करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलेंगे, रिसर्च। आइए, द व्यू ऑफ सम एमिनेंट स्कॉलर एंड द सोर्सेस ऑन द रिसर्च आर गिवन बिलो, बोलता है द सिस्टमेटिक एंड द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, रिसर्च जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के थ्रू, बहुत सारे स्टेप्स हैं उनको सिस्टमैटिक वे में क्या करना है, फॉलो करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बोले तो पक्षपात नहीं करना, सब्जेक्टिव नहीं होना, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। इसका मतलब आप यहां पे जब आप रिसर्च करेंगे तो कभी भी आप सब्जेक्टिव नहीं होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, मतलब आपको जो है वो पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके हाँ जी, तो रिसर्च बेसिकली क्या है सर, रिसर्च एक सिस्टमेटिक है और दूसरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, एंड रिकॉर्डिंग करना ऑफ द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट मे लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या, सामान्यकरण करना, सामान्य मतलब चीजों को यूनिवर्सलाइज कर देना, प्रिंसिपल्स बनाना, थ्योरीज बनाना, रिजल्टिंग इन प्रिडिक्शन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इवेंट। बेसिकली यहां पे सिस्टमेटिक रिसर्च का जो मतलब है वो क्या है, सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना किसी फैक्ट का, और जो फैक्ट आपने उसका जिसका एनालिसिस किया वहां से जो आपने सर्च किया जो चीजें निकल के आई उनको क्या करना, जर्नलाइज कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलते हैं, रिसर्च। एक और डेफिनेशन है, इसको आप रीडिंग कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की डिक्शनरी के अंदर कुछ डिफाइन किया गया रिसर्च को, ये क्या बोलते हैं, दे डिफाइन द रिसर्च एज ए, ये क्या बोलते हैं, ये रिसर्च क्या है, इट इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च जो है वो एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं, रिसर्च जो है वो बेसिकली क्या है, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च इज द केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है, स्पेशली थ्रू सर्च ऑफ द न्यू फैक्ट, सर्च करेंगे किसको, नए नए फैक्ट को, इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। बोले तो इन अदर वर्ड्स इट इज एन ओरिजिनल एडिशन, रिसर्च जो है एडिशन है,
किसमें? एग्जिस्टिंग नॉलेज में, मतलब ऑलरेडी आपके पास किसी चीज की कोई फैक्ट थे, आपके पास अवेलेबल फैक्ट थे, कोई नॉलेज थी आपके पास, उसी में क्या करना, एडिशन करना. क्या कर दिया? एडिशन. एडिशन विच लेड्स टू फर्दर एडवांसमेंट, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो गया, चीजें और भी एडवांस हो गई हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिसर्च. क्या बोलेंगे? रिसर्च. तो बेसिकली अगर बात करता हूँ रिसर्च का कि रिसर्च एक्चुअल में है क्या, तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं सर रिसर्च का जो मतलब है वो क्या, एग्जिस्टिंग कोई फैक्ट के ऊपर आपने डेप्थ में स्टडी किया और उसको और भी एडवांस बना देना, उसमें और नई नई थ्योरीज को इमर्ज करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च. एक बार दोबारा पढ़ा दो, इट इज ओरिजिनल. ये क्या है? इट इज एन ओरिजिनल एडिशन है. ओरिजिनली क्या किया? एडिशन किया. किसमें एडिशन किया? एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर. विच लीड्स टू फर्दर एडवांसमेंट, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग जो निकल के आया या जिसका रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या हुआ, फर्दर एडवांसमेंट. चीजों को और एडवांस करने के लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडिशन करना, समझना देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चीजों को एडवांस करने के लिए एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडवांसमेंट करना इज नोन एज द रिसर्च. क्या बोलते हैं आप उसको? रिसर्च. आई थिंक ओके यहां तक. हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, रिसर्च के ऊपर तो हमने पीएचडी कर लिया, अब क्वेश्चन ये है सर एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब है योग्यता, इट मींस एबिलिटी. एप्टीट्यूड का मतलब जो है एबिलिटी या फिर स्किल टू डू समथिंग. किसी भी काम को करने की अगर आपके अंदर योग्यता है तो हम बोलेंगे आपके अंदर एप्टीट्यूड है. किसी एक पर्टिकुलर स्किल का आपके अंदर क्या है? एप्टीट्यूड है. तो कोई स्किल या योग्यता अगर एक पर्सन के अंदर जो होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एप्टीट्यूड. तो इसका मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? रिसर्च क्या होता है हमने पढ़ लिया, एप्टीट्यूड क्या हमने पढ़ लिया, तो इन दोनों को जब जोड़ दें तो क्या निकल के आता है? निकल के आता है सर रिसर्च एप्टीट्यूड. और ये है क्या? रिसर्च एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी या फिर ये स्किल है किसकी, इसकी सिस्टमेटिकली केयरफुली एंड क्लोजली एग्जामिन ए सिचुएशन प्रोसीजर या एक्टिविटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्नलाइजेशन एंड थ्योरी. मतलब थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने के लिए या जर्नलाइजेशन करने के लिए, मतलब सामान्यकरण करने के लिए, जब हम जो है वो क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली केयरफुली या क्लोजली एग्जामिन करते हैं किसी सिचुएशन को या प्रोसीजर को या एक्टिविटी को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड. अगर आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता है जो आपको क्या करती है, जिसके थ्रू आप सिस्टमेटिकली केयरफुली एंड क्लोजली एग्जामिन करते हैं किसको, किसी सिचुएशन को, प्रोसीजर को या एक्टिविटी को. क्यों करते हैं? ताकि फॉर्मुलेट कर सके आप नए नए फैक्ट को, फॉर्मुलेट कर सके नई नई थ्योरीज को, चीजों को क्या कर सके, जर्नलाइज कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके हाँ जी. तो बेसिक मीनिंग रिसर्च का क्या है हमने पढ़ लिया. नॉर्मल मीनिंग क्या बोलते हैं कि सर एग्जिस्टिंग जो आपके नॉलेज है उसमें क्या करना, और एडवांसमेंट करना, इन डेप्थ स्टडी करके उसमें और एडवांसमेंट करना इज नोन एज अ रिसर्च. और ऐसा करने के लिए अगर आपके अंदर कोई योग्यता है आपको निपुण बनाना कि आप रिसर्च कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं. अर्लियर इट माइट हैव टेकन थाउजेंड ऑफ ईयर टू डबल अप द अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट नाउ दिस मे हैपन एवरी फ्यू ईयर. लेकिन आज बहुत जल्दी हो जाता है. प्रोग्रेस इन एनी डोमेन ऑफ नॉलेज, किसी भी डोमेन में, डोमेन का मतलब बेसिकली क्या है, एरिया. क्या है? एरिया या फिर क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र है, किसी भी नॉलेज के किसी भी क्षेत्र में अगर आपने क्या करनी है, प्रोग्रेस करनी है, चाहे वो क्या हो, बी इट नेचुरल साइंस हो, चाहे अप्लाइड साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, डज नॉट हैपन विदाउट रिसर्च. बिना रिसर्च के आप ये कभी भी नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी डोमेन के अंदर क्या करना है, प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए रिसर्च तो जनरली आपको करना पड़ता है. रिसर्च इज द लाइफ ब्लड. रिसर्च जो है वो लाइफ ब्लड है किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग. जो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बोले तो यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनका जो लाइफ ब्लड बेसिकली रिसर्च है. अगर वहां पे रिसर्च होनी बंद हो जाए तो नेचुरल बात है फिर यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटीज को पहचाना ही इस नाम से जाता है कि वहां पे बेसिकली क्या चलती है, रिसर्च चलती है. आगे, रिसर्च इज मोर देन ए सेट ऑफ स्पेसिफिक स्किल. रिसर्च जो है वो ऐसा नहीं है कि ओनली किसी पर्सन में कोई स्पेसिफिक स्किल होना यही रिसर्च है, नहीं, इससे ज्यादा. क्या? इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग एंड क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क. आगे, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी. ये एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है. सर स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब प्री डिटरमाइंड जिसमें स्टेप होते हैं, इंक्वायरी करने के कुछ प्री डिटरमाइन,
कुछ प्री डिटरमाइन हमारे स्टेप्स हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। डेट यूटिलाइज द एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथडोलॉजी टू सोल्व द प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट द न्यू नॉलेज डेट इज जर्नली एप्लीकेबल। द इंक्वायरी इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग ए थिंग और फिनोमिना और सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ये जो इंक्वायरी आप करते हैं, इसके पीछे का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, अंडरस्टैंड, समझना, चीजों को समझना, या किसी एक फिनोमिना, किसी एक घटना को, फिनोमिना बोले तो किसी एक घटना को क्या करना, समझना, या प्रॉब्लम को सोल्व करना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्वायरी। मतलब अगर इन रिस्पेक्ट में इंक्वायरी की जाती है तो जनरली यही हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। क्या होता है, रिसर्च। आगे द टर्म रिसर्च कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स। रिसर्च के अंदर बेसिकली दो वर्ड्स जो है वो आते हैं, एक आता है री और एक आता है क्या, सर्च। जनरली री मींस अगेन, री का जो मतलब है वो क्या, अगेन, एंड सर्च मींस टू फाइंड आउट। सर्च का मतलब क्या है, खोजना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एडवांस लर्नर डिक्शनरी रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च जो है वो क्या है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है। स्पेशली क्यों किया जाता है, टू सर्च फॉर द न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी एग्जिस्टिंग ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर किसी नए नए फैक्ट को खोजना इज नोन एज अ रिसर्च। क्या बोलेंगे आप उसको, रिसर्च। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल रिसर्च इज ए प्रोसेस। क्रेसवेल के अकॉर्डिंग रिसर्च जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर, अब नेचुरल बात है, अगर ये एक प्रोसेस है तो नेचुरल बात है इसमें क्या होगा, कुछ स्टेप्स होंगे। रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ द स्टेप्स विच आर यूज टू कलेक्ट, जिनको इस्तेमाल किया जा जाता है क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। मतलब हमारी जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ा इससे हमको जो है वो कुछ चीजें निकल के आई है। फ्रॉम द डेफिनेशन मेंशन अबव देयर इज ए जनरल एग्रीमेंट डेट रिसर्च इज ए प्रोसेस। जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी उनसे कुछ फीचर्स निकल के आए बेसिकली, जो ये बोलते हैं कि रिसर्च जो है वो क्या है जी, एक प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन का। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड मेथडोलॉजिकल है, एंड इट इंक्रीज द नॉलेज। और रिसर्च से जो है वो आपका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है वो और भी क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं, और आपकी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, हाँ जी सर। आगे कुक एक रिसर्चर थे, उन्होंने ब्यूटीफुली आउटलाइन किया वर्ड रिसर्च को एज ए होनेस्ट। उन्होंने बोला रिसर्च जो है वो क्या होता है, होनेस्ट है, ईमानदारी से, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर द फैक्ट एंड देयर मीनिंग और इम्प्लीकेशन विद रेफरेंस टू ए प्रॉब्लम। टू हिम रिसर्च इज द एक्रोनिम। रिसर्च जो उन्होंने ये बोला, रिसर्च जो है वो उसको लघु तौर पे या लघु रूप में उन्होंने रिसर्च को जो है वो डिफाइन किया। हर एक अल्फाबेट का जो है उन्होंने मीनिंग बताया कि एक्चुअल में रिसर्च क्या है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया रिसर्च जो है वो बेसिकली क्या है, रिसर्च, ये वर्ड है रिसर्च। अब आर से उन्होंने बोला रिसर्च इज द रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब समझदारी से। रैशनल का मतलब क्या है, समझदार। रिसर्च में हम क्या करते हैं, समझदारी से चीजों को क्या करते हैं, सोचते हैं, समझदारी से चीजों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ई से जो है वो क्या निकल के आया जी, सर ई से निकल के आया एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट लगाते हैं। जब हम चीजों को समझते हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉमन पार्लेंस में चीजों को समझेंगे या बेसिकली बस ऊपर ऊपर से चीजों को समझना, नहीं नहीं, रिसर्च के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट लगाते हैं। आगे एस का मतलब है सर्च एंड सॉल्यूशन। रिसर्च में बेसिकली क्या किया जाता है, चीजों को खोजा जाता है और चीजों का कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसोल्व थे उनको क्या निकाला जाता है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। आगे रिसर्च को हम बोलते हैं ई से एग्जैक्टनेस। रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, रिसर्च में प्योरिटी होना चाहिए और बेसिकली रिसर्च में एग्जैक्टनेस होती है। एग्जैक्टनेस का मतलब यह है कि चीजें जो है वो अप्रोक्सीमेशन पे नहीं आती है। जब हम रिसर्च करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाता है और चीजें एग्जैक्ट निकल के आती हैं, एक्यूरेट निकल के आती हैं, जो एक्चुअल में है वही निकल के आती हैं। आगे ए से क्या, एनालाइज। ये क्या बोलता है कि रिसर्च के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फैक्ट का। कुछ हमारे पास फैक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। आर से क्या है, रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट। रिसर्च में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास अवेलेबल फैक्ट हैं उनमें रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। सी से क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। रिसर्च में हम क्रिटिकली चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल तरीके से क्या करते हैं, प्लान करते हैं। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड अपनाते हैं एंड कंडेंस्ड जर्नलाइजेशन, और चीजों को जर्नलाइज करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड ऐसे क्या है, होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। रिसर्च के अंदर बेसिकली हम लोग जो है
वो क्या करते हैं, होनेस्टी से काम करते हैं, और यहाँ पे कोई भी जो है वो सब्जेक्टिव वे के अंदर आप काम ना करके ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। तो कुक ने जो है वो रिसर्च को इतने अच्छे तरीके से जो है वो क्या किया, डिफाइन किया। थोड़ा सा आपको क्रैमिंग करके जाना पड़ेगा। तो आर से क्या गया, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई से क्या आया, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। एस से क्या गया, सर्च एंड सॉल्यूशन। ई से एग्जैक्टनेस। ए से एनालिसिस। आर से रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट मेंटेन करना। सी से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड द कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। एंड एस से क्या गया, होनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। ओके, हां जी, आगे हम हमेशा बोलते हैं रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है। अब इसका मतलब क्या है, बोलते हैं द साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या, इसके अंदर आता है सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना एंड इंटरप्रेट करना किसको, डेटा को। जब आप डेटा को सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करना, इसको बोलते हैं कि हमने साइंटिफिक मेथड को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव विच इज एन अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा। There is nothing like unscientific research approach even in case of the social science. जब भी आप रिसर्च करते हैं तो हमेशा एक साइंटिफिक अप्रोच को आप फॉलो करते हैं, आप अनसाइंटिफिक तरीके से कोई भी काम नहीं करते। अब यहां पे here we should know what is scientific method, यहां पे अपने को जानने की जरूरत है कि scientific method का मतलब क्या। According to Random House Dictionary, scientific method is a method in which problem is identified. Scientific method एक ऐसा method है जिसके अंदर problem को identify किया जाता है कि actual में problem क्या है, फिर उस problem से related relevant data को gather किया जाता है, डेटा इकट्ठा किया जाएगा और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाएगा विच इज एम्पिरिकली टेस्टेड, और फिर उसकी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग। हमारा कुछ हाइपोथेसिस होती हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, उनको हम मेंटेन करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, टेस्टिंग करना। ये सब काम किया जाता है किसके अंदर, रिसर्च में। आगे जाके पढ़ेंगे रिसर्च का पूरा प्रोसेस है, उसको पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वहां पर यह सब आएगा आपका। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखना, अगर हम बारी बारी एक बात बोलते हैं कि रिसर्च के अंदर हम सिस्टमेटिकली या साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है, तो साइंटिफिक मेथड का मतलब आपको मैंने बता दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, बोलो जल्दी से सर, इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, रेलिवेंट डेटा को गैदर किया जाएगा, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाएगा एंड देन उसकी टेस्टिंग की जाती है और चेक किया जाता है कि जो अजम्पशन हमने पहले क्या करी थी, मेंटेन की थी, या जो अजम्पशन हमने जो है वो डिसाइड की थी, क्या वो सही भी है या नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइंटिफिक मेथड। तो जब भी सर्च करेंगे तो साइंटिफिक मेथड को हम लगाते हैं, बट साइंटिफिक मेथड हर केस में एक जैसा है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई काम को करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो मेथडोलॉजी आपका थोड़ा थोड़ा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लाइक रिसर्च इज लाइक अंडरटेकिंग ए जर्नी एंड वन मस्ट नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन एंड विच रूट टू टेक। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है और किस रास्ते से जाना है। सीक्वेंस जो है स्टेप्स का ड्यूरिंग द जर्नी इज नॉट एब्सोल्यूट। सीक्वेंस जो है वो हमेशा फिक्स नहीं होता, क्योंकि अलग अलग चीजों को करने के मेथड अलग अलग है, तो नेचुरल बात है कभी कोई मेथड कभी कोई मेथड हम लगाते रहते हैं। एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पर देर आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेथड। हर स्टेप पे जो है वो मेथड की क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, बहुत सारे मेथड हमारे पास में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अप्रोचेज एंड प्रोसीजर एंड हेयर एक्सपीरियंस ऑफ गाइड कम्स हैंडी टू गाइड आवर एक्शन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। और यहां पे किस मेथड को लगाना है, तो यहां पे अपना जो मार्गदर्शन करते हैं वो करते हैं हमारे गाइड। कौन करता है, गाइड। अब सर ये गाइड कौन है, जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो उस टाइम पे जो है जो आपको पीएचडी करवाएंगे, जो प्रोफेसर जिनके अंडर आप पीएचडी करते हैं, जिनके अंडर आपको स्कॉलर, जिनके आप स्कॉलर बनेंगे, तो वो प्रिंसिपल जो है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गाइड, जिसके अंडर पीएचडी की जाती है। तो बेसिकली जब आप रिसर्च करने जाएंगे ना, तो वो गाइड आपको जो है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस पाथ पे आपको जाना है तो कौन से मेथड को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं लाइन, लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, हेयर एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस, गाइड का, जो गाइड है आपके, कम्स हैंडी टू गाइड आवर एक्शन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। हमने हमारे ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करना है, हमने हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उसके लिए हम गाइड से क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। इस सब तामझाम को बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्च। क्या बोलते हैं, रिसर्च। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिसर्च का मीनिंग क्या है। बोलो, हाँ जी सर, तो इतना कीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा, अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको हम सही करने का काम करेंगे। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, बाकी का करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।